देश में लगभग 550 मिलियन लोग आंखों की समस्याओं से पीड़ित हैं। आज सिर्फ बड़े और बूढ़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी इसके शिकार हो रहे हैं। इसलिए ये जरूरी हो गया है कि लोग इससे होने वाली बड़ी समस्याओं को लेकर पहले से ही जागरूक हो जाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज आंखों की बढ़ती दिक्कतों को लेकर हमसे बात करने के लिए एलनाबाद शहर से जुड़ रहे हैं सिटी आई हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर आनंद सैनी। स्वागत करते बहुत हैं। बहुत स्वागत है सर बिल्कुल आपका। तो जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आंखों से जुड़ी कितनी तरह की समस्याएं होती हैं और ये मतलब कैसे होती है लोगों को, कैसे वो लोगों के आंखों पे अफेक्ट करती है। जी, आजकल आंखों का एक ऐसा है कि आंखों की दिक्कत हर एक आदमी को है। आंखों के बहुत ज्यादा परेशान है लोग, स्पेशली जो बच्चे हैं आजकल। इसका मेन कारण जो है डिजिटल स्क्रीन्स, जो फोन के यूजेज है बढ़ गए हैं, डिजिटल स्क्रीन्स है। सेंट्रल स्कूलों में बड़ी बड़ी डिजिटल स्क्रीन्स आ गई, तो डिजिटल स्क्रीन कोई भी हो, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप, उससे एक हार्मफुल रेज निकलती है, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकलती है, ब्लू रेज निकलती है। तो उनको ब्लॉक करने के लिए आजकल जैसे ग्लासेस वगैरह भी आए हुए हैं, पर उनका यूज हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, खाना पीना भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव पड़ रहा है, जो मतलब खाना पीना आजकल सही नहीं रहा है, फास्ट फूड ज्यादा हो गए हैं, और भी जो बीमारियां हैं, जैसे कि कोई, जैसे आप बुजुर्गों की बात करें तो थायराइड है, शुगर है, बहुत प्रभावित कर रही है, जिससे मतलब कैटरेक्ट, ग्लूकोमा की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो दिक्कतें तो आईज की बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है आईज की, हर एक मतलब कम्युनिटी में है।